हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने आरएम लाइफ स्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। तो आज थोड़ी सी परेशान हूँ, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। करीब 2-3 दिन से हमारे यहाँ जो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बगल के सोसाइटी में एक हादसा हुआ है, जो थंबनेल से आप लोग देखा भी होगा। उसमें जब मैं थंबनेल बना रही थी ना, तो उसमें ये था कि बनाया नहीं जा रहा था मुझे, अब ब्लड कर दी हूँ मैं उसको, ब्लड किया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, इसलिए आप लोग देख नहीं पाए कि सामने हकीकत क्या है। तो एक लेडीज है, उसका वो जो मैं डाली हूँ क्लिप अलग अलग, तो उसका है वो वीडियो। और मैं बता नहीं सकती मैं कैसे बात कर रही हूँ आप लोग से, मैं क्या बात कर पाऊँगी पता नहीं, इतना ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हूँ अंदर से। तो उसको काम करती हैं, मेड थी वहाँ पे सोसाइटी में, और उसको कुत्ते ने काटा है। और एक आध कुत्ते ने झुंड बना के, जो होते हैं ना 8-10 कुत्ते ने मिल के उसके ऊपर हमला किया, वो गिर गई। और उसके बाद उसको घसीट के ले गए और उसको इतने जगह से काटा है इस बुरी तरीके से। और फिर पता नहीं लोग आए तो फिर किसी तरह करके उसको बचाया, लेकिन तब तक उसकी हालत ख़राब हो गई थी। अभी वो हॉस्पिटल में है, कोई कहता है कि डेथ कर गई है। मैं ऐसे कल रात में उस सोसाइटी में गई थी पता करने के लिए, तो उसके सामने जो घर है उनके सामने एक गार्ड है, रहता है, तो उसने कहा कि नहीं अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं हुई है, लेकिन आज के दिन में कोई कह रहा है कि शायद वो गुजर गई है। अभी हालत बहुत ख़राब है, या हालत भी ख़राब है, मैं कहती हूँ कि यदि वो लाइव भी है ना, तो जो उसकी स्थिति है ना, तो रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल है। और उसकी ऐसी स्थिति, मैं सिर्फ फ़ोटो देखी हूँ, मैं रियल नहीं देखी हूँ, मैं रियल देख भी नहीं पाती, फ़ोटो नहीं देख पा रही थी मैं, वो वीडियो आया था एकाध तो वो भी नहीं देख पा रही थी मैं। तो लेकिन अब चूंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मुझे लगता है कि मैं आज तक इन सब बारे में कभी मैं वीडियो वीडियो नहीं डाली हूँ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत हताहत हूँ मैं, और बहुत परेशान भी रही डालूँ कि नहीं डालूँ ये सोच के, क्योंकि यहाँ कुछ भी होता है ना, तो जैसे कि मेरी ही सोसाइटी है ना, तो फिर मैंने कि एक तो अवेयरनेस के लिए भी डालो ना, तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या है। और क्या है यार, मेरे चैनल पे क्या है इतना कि 1500 सब्सक्राइबर हैं, 100-150-200 व्यू जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्या इसमें कुछ नहीं होता? जब तक लाखों में कुछ नहीं जाएंगे जो जानते हैं सोशल मीडिया को, तो कुछ नहीं होता है भैया। मैं तो एक अपना टाइम पास के लिए, अपना शौक हो गया है मुझे, मेरा टाइम पास हो जाता है। मैं घर में अभी जॉब करती थी तो मैं घर में रहने लगी हूँ, तो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मैं अपना ये टाइम पास के तौर पे अपना मेमोरी कहीं जाती हूँ तो शूट कर लेती हूँ। तो मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे को मुझे यदि तकलीफ होती है तो मैं किसके साथ शेयर करूँगी? मैं अपने जो मेरा चैनल है मैं उस पर शेयर करती हूँ, कुछ ऐसी बातें होती है फिर भी, तो कुछ भी बात होगा तो यही आप ऐसे के लिए, व्यू के लिए और ऐसे के लिए आप लोग मैंने कि करती हैं ये, लेकिन जो रियल है यार, देखो उसके साथ क्या हुआ है। पता है उसके 4 बेटी है और 2 बेटे हैं छोटे छोटे से, घरों में काम करके अपना गुजारा करती हैं। आज यदि उसको कुछ होता है या हो गया होगा तो उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा? और पता चला कि वहाँ के जो डॉग हैं उसको बाहर से खाना खिलाने आते हैं, सोसाइटी की तो बात छोड़िए, बाहर दूर दराज से लोग आते हैं वहाँ पे खाना खिलाने के लिए। ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या प्रेम है कि आप उतनी दूर से कहते हो कि कहाँ से, बागपत से कहाँ से खाना खिलाना, ऐसा क्या प्रेम है कि आप इतना दूर से सोसाइटी के अंदर के डॉग को खाना खिलाने आते हैं? ये मुझे समझ में नहीं आया। और इस तरह से इतना जो मैं कहती हूँ कि जानवर है, बेजुबान है, सही है, कोई बात नहीं है, हम उनको हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको जरूरत पड़े तो खाना खिलाना चाहिए, लेकिन सोसाइटी नहीं है खाना खिलाने के लिए। सोसाइटी में लोग, जहां मैं पहले रहती थी तो नॉर्मल था, जो अनऑथराइज टाइप का होता है उसमें फ्लैट घर होते थे, तो वहाँ बंद नहीं होते थे, तो वहाँ आप गली में नहीं रोक सकते, वहाँ से भाग के आए कि सोसाइटी में आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सेफ रहेगा। जो हम जैसे जैसे एज बढ़ता है तो इंसान, या यंगस्टर भी आ रहे हैं, जॉब करते हैं, दिन भर जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, बच्चे को उसमें भी, बच्चे साथ में, बच्चे को भी बड़ा करते हैं, अब कभी शाम को आप सोसाइटी में घूमने निकलो बच्चे को लेके और कोई कुत्ता हमला कर दे,
कोई बुजुर्ग लोग घूमते हैं शाम को, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि गाड़ी आएगी, रोड है तो दिक्कत होगा, तो रिलैक्स करते हैं कि चलो भाई टहल लेते हैं। और उस समय यदि कोई डॉग हमला करे और ऐसे करे कि जब आप तो जैसे मेरे पैर में प्रॉब्लम है और भाग नहीं पाऊंगी, मुझे तो कोई एक आएगा तो डर के मारे पहले ही गिर जाऊंगी, जैसी स्थिति है। तो मैं तो एकदम डर गई हूँ भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई हूँ ये देख के। कोई भी मेरे घर में हो या कोई किसी परिवार में हो, तो जो देखी स्थिति उसमें बर्दाश्त के बाहर की बात है। तो मैं यही आप लोगों के साथ, मैं सोची कि चलो जब ब्लॉग बनाऊंगी तो थोड़ा सा क्लिप वगैरह डाल दूंगी, लेकिन मुझे ये भी हिम्मत नहीं हो रही है। तो मैं यही हाथ जोड़ के सबको प्रार्थना करती हूँ, भाई ऐसा काम क्यों करे जो आपको अपने दिल को तो सुकून मिले, आप दूसरे की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। ये काम करके कहाँ से पुण्य मिलेगा आपको, ये तो बताओ, कोई बताए मुझे कि जो दूसरे की हमें थोड़ी देर के लिए खुशी देगा कि हमने कुत्तों को बेजुबान को खाना खिलाया तो, और दूसरे को जिंदगी खराब कर रहा है। तो कई बार आप सबने देखा होगा, अखबारों में आते हैं, न्यूज में आते हैं, बच्चों को जबरा कोई काट लिया, कहीं कुछ कर लिया, कहीं कुछ, तो क्या है इससे। कई बार तो पालतू कुत्ते काट लेते हैं अपने जो मालिक को, उससे भी डेथ हुई है। तो ऐसा क्या है भाई, मैंने कि मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो मैं सोच रही थी पता नहीं क्या करूं, बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्योंकि हम सोसाइटी वाले ही पीछे पड़ जाएंगे, भाई ये तो ऐसे देखो। मैं किसी सोसाइटी का नाम नहीं ली हूँ, ना मैं अपने सोसाइटी का नाम ली हूँ ना किसी, जबकि बिल्कुल सारा खबर पेपर में आ चुका है, टीवी पे आ चुका है, कई सारे यूट्यूबर बना के भी गए हैं जो मेरे ग्रुप में भी सेंड हुआ है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे राजनगर एक्सटेंशन में और ये सब हो रहा है। मैं राजनगर एक्सटेंशन की भी बात नहीं करती, मुझे तो लगता है पूरा ऑल ओवर सोसाइटी जहाँ भी है, नोएडा है, कहीं भी है, इस चीज़ से त्रस्त है, और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही हैं। क्योंकि भाई हम सोसाइटी में आए हैं सुख चैन से रहने के लिए, शांति से रहने के लिए, कि हम इन सब चीज़ों में है ना, बाहर जाके खिलाइए, बाहर यदि यही करना है तो बाहर जाके उसको खिलाइए जहाँ पे कोई स्थान होगा। और मैं ये सरकार से भी करना चाहूँगी अपने ब्लॉग के जरिए कि भाई इसकी कोई व्यवस्था कराइए, आदमी इंसान की जिंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं है, वो बेजुबान जानवर है। जानवर नाम क्यों दिया, उसको भी तो इंसान नाम देते हैं ना, यदि उसमें उतनी ज़्यादा बुद्धि होती, उतना ज़्यादा अकल होता कि नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं करना। तो जानवर तो जानवर ही होते हैं, वो कितना भी है, कब कब भड़क जाए, कब क्या कर लें, आप क्या कर लोगे, कंट्रोल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो बस मैं इसीलिए ये ब्लॉग बना रही हूँ कि बस हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि प्लीज थोड़ा सा मानवता लाइए, और यदि ऐसा करते हैं यदि मेरे ब्लॉग के जरिए, और किसी को मेरे ब्लॉग के जरिए यदि किसी बात को ठेस लगी है तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ का कठोर विरोध करती हूँ कि सोसाइटी के अंदर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जो डॉग को खाना खिलाए या उनको डॉग के रहने की व्यवस्था हो। और मुझे अब कुछ डर नहीं है, मुझे डर नहीं है, मेरा ब्लॉग है, ऑन एयर होता है और जाता है यूट्यूब पे, आप कहीं से भी डाउनलोड करके किसी को भी भेज सकते हैं, भेजिए। मुझे कहीं नहीं लगता है कि मैं कोई गलत काम की हूँ, जब गलत काम की नहीं हूँ तो डरूंगी नहीं। और यदि अपने बारे में भी सोचूं और अपने बारे में और अपने मुझे बाकी लोगों के बारे में भी यदि मुझे सोचना है और मुझे उनके बारे में ये करना है कि नहीं भाई सेफ चाहिए, ये सोसाइटी के अंदर में रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, बड़े रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, और तो मुझे सेफ सोसाइटी चाहिए। और इसके लिए सरकार से मैं गुजारिश करूंगी कि भाई कुछ तो कुछ नियम बनाइए, ये जो होता है PFA क्या होता है डॉग का, कोई भी संस्था, जो भी संस्था का हक नहीं बनता है कि इंसानों के साथ खिलवाड़ कर सके, उसके आड़ में आप धमकी दे के इंसानों के साथ खिलवाड़ कर सके कि नहीं जी आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप ही नहीं कर सकते। तो बस यही गुजारिश है और यही छोटा सा इसलिए वीडियो, और मुझे उनके लिए बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है जिनकी अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह की घटना रुकनी चाहिए और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग के जरिए आप लोग भी समर्थन करें यदि आपको मेरी बात ठीक लगती है तो। बाकी प्रार्थना करती हूँ आगे से ऐसी कोई घटना सुनने को ना मिले।